अखिलेश यादव की रैली होते ही आजम खान पर बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 11 मामलों में एमपी एमएलए कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किए। थानागंज में आसरा कॉलोनी की जमीन पर कब्जे के मामले में षड्यंत्र के आरोप में आजम खान के विरुद्ध 11 मामलों में पुलिस ने चार्जशीट लगाई है। वहीं जनपद रामपुर में अपर पुलिस अधीक्षक संसार सिंह ने बताया कि थानागंज पर आसरा कॉलोनी डोंगरपुर की जमीन को कब्जाने के संबंध में पंजीकृत 11 अभियोगों में मोहम्मद आजम खान द्वारा षड्यंत्र रचकर डकैती, छेड़छाड़, धमकाना, मारपीट, गाली गलौज, तोड़फोड़, बलवा आदि कराए जाने के आरोपों के संबंध में आरोप पत्र दाखिल किया गया है। वहीं आपको बता दें कि सपा शासनकाल में रामपुर की पुलिस लाइन की नज़दीक डोंगरपुर में आसरा आवास कॉलोनी बनवाई गई थी। तब आजम खान प्रदेश सरकार में मंत्री थे। जिस जगह कॉलोनी बनी है यहाँ पहले से कुछ लोगों के मकान थे जिन्हें नगर पालिका की जमीन बताते हुए तोड़वा दिया गया था। प्रदेश में सरकार बदलने के बाद इस मामले में घरों में तोड़फोड़ करने, लूटपाट, मारपीट और महिलाओं से छेड़छाड़ के आरोप लगते हुए अभियोग पंजीकृत कराए गए थे। इन मुकदमों में पुलिस ने जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया उनसे पूछताछ की गई। पुलिस का दावा है कि गिरफ्तार आरोपियों ने बयान दिए हैं कि उन्होंने आजम खान के इशारे पर इन अपराधों को अंजाम दिया था। घरों में तोड़फोड़ और लूटपाट भी उनके कहने पर की थी। इसी आधार पर पुलिस ने आजम खान को भी इन 11 मुकदमों में आरोपी बनाया है। पुलिस ने उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 120 बी के तहत कार्यवाही की। इस संबंध में पुलिस ने अब चार्जशीट दाखिल कर दी है। वहीं आइए अब सुनते हैं अपर पुलिस अधीक्षक संसार सिंह क्या कह रहे हैं। पूर्व सांसद मोहम्मद आजम खान के विरुद्ध पुलिस द्वारा आज क्या कार्रवाई की गई है। थानागंज रामपुर पर आसरा कॉलोनी डूंगरपुर की जमीन को कब्जाने के संबंध में पंजीकृत 11 अभियोगों में मोहम्मद आजम खां द्वारा षड्यंत्र, डकैती, छेड़छाड़, धमकाना, मारपीट, गाली गलौज, तोड़फोड़, बलवा आदि कराए जाने के संबंध में उक्त पंजीकृत अभियोगों में साक्ष्य एवं सत्यता के आधार पर आज दिनांक 12/3/2021 को माननीय न्यायालय में मोहम्मद आजम खान के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किए गए। वहीं हम लोग साइकिल चला रहे हैं और सुनने में आ रहा है कि सरकार के दबाव में प्रशासन के लोग मुकदमा दर्ज करने की तैयारी कर रहे हैं। हम और आप लोग साइकिल चला रहे हैं, प्रशासन मुकदमे की तैयारी कर रहा है। ये तो तैयारी अभी केवल विधायकों की है, अभी जनता को नहीं कहा हमने साइकिल चलाने के लिए। जिस दिन समाजवादी पार्टी के लोग अपील कर देंगे साइकिल चलाने वालों के, तो सड़क पर जगह नहीं बचेगी, इतनी साइकिल चलेगी। और पता नहीं सरकार वाले भी क्यों चाहते हैं कि हम और आप साइकिल ही चलाएं। ये सरकार वाले भी चाहते हैं, ये सरकार वाले भी चाहते हैं कि हम और आप साइकिल चलाएं। तभी तो डीजल पेट्रोल की कीमत देखो कहां पहुंच गई है, डीजल और पेट्रोल की कीमत कहां पहुंच गई है। तो सरकार खुद इशारा कर रही है।